तो ये बताएं, हाँ साहब कहते थे तब्दीली, ये जो तब्दीली है ये किस तरह मुमकिन है? देखिए जो तब्दीली होती है ना, इट्स नॉट चेंज इन ओवरनाइट, ठीक है ना। एटलीस्ट इफ यू, आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, अगर आप अपने घर में तब्दीली लेके आने चाहेंगे तो आपको बहुत सारे ओपोनेंट घर पे ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इट विल टेक टाइम, बट चेंज माइंड सेटअप जब तक लोगों का चेंज नहीं होगा उस वक्त तक तब्दीली ना मुमकिन। ठीक है, तो हाँ साहब को टाइम देना चाहिए। हाँ, मेरा ख्याल है कि वी विल गिव हिम टाइम डेफिनेटली। जहाँ हमने उनको पहले वालों को इतना अरसा जमाते रहे तो उनको तो अभी 1.5 साल हुआ है, तो वी हैव टू वेट फॉर। ठीक है, नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ या इमरान खान? नहीं, नवाज शरीफ एंड इमरान खान, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट माई, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो आई एम नॉट यूज टू फॉर अ यूज टिश्यू पेपर, दे आर जस्ट लाइक अ यूज टिश्यू पेपर, आई डोंट वांट टू। मियां साहब का यूज टिश्यू पेपर क्या? यूज टिश्यू, यस यूज टिश्यू पेपर। देखिए मैं एक बात बताऊँ, तब्दीली तो सबसे पहले हमें अपने में खुद में लानी चाहिए, हमें सबसे पहले अपना एहतसाब करना चाहिए कि बहसियत मुसलमान हम वो कौन से काम कर रहे हैं जो हमें अल्लाह का अहकाम है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, उस पर तो हम अभी तक, सबसे पहले हमें अपना एहतसाब करना चाहिए। हम ठीक होंगे तो हमारी हुकूमतें भी ठीक होंगी, जब हम ठीक नहीं हैं तो हम कैसे? जो अभी हुकूमत है वो ठीक है या नहीं, ये फिलहाल हम इसके बारे में कोई राय तो कायम नहीं कर सकते। हाँ, इनको 5 साल देने चाहिए, ये अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे तो आवाम भी इनको सेलेक्ट करेगी, नहीं तो इनको रिजेक्ट करेगी, दो ही बातें हैं। दिल्ली तब्दीली इमरान खान नहीं ला सकता। कौन ला सकता है तब्दीली? हम खुद लाएंगे, आवाम लाएगी तब्दीली। कुछ यानी कि चाइना ने जब 10 साल का टाइम मांगा था, आवाम ने टाइम, यानी कि जो उनके हुक्मरान थे उन्होंने कहा था कि भाई हम 10 साल आपके ऊपर सख्ती का कुछ वक्त डालना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वो कहा कि ठीक है हम बर्दाश्त करते हैं कि भाई जो आप डालें क्या करते हैं। वो 10 साल जब उनके गुजरे उसके बाद खुशहाली आ गई, ठीक है ना। मिशन किसी कौम ने यानी कि उसका साथ दिया ना, अब हम अगर साथ इमरान खान का नहीं देंगे तो दूसरा तो कोई भी नहीं देगा ना। अभी इमरान खान को सब ये कहते हैं वो फलां यहूदियों का जंट है, फलां है, डमकान है, लेकिन ये चीज़ नहीं है। इमरान खान बजाते खुद मुखलिस है, उसके जो हारी हैं चंद लोग हैं जो दूसरी जमातों से उठ के आए हैं, वो उसके लिए यानी कि ठीक नहीं है। ठीक है, ये बताएं नवाज शरीफ साहब या इमरान खान? नवाज शरीफ या इमरान खान? नहीं नहीं, इमरान खान बेहतर है पाकिस्तान के लिए, जैसे वो यानी कि कर रहा है, जो कुछ कर रहा है बेहतर है, लेकिन सबसे पहले ये है कि महंगाई पे कंट्रोल करें। आप किसको सिलेक्ट करते हैं, नवाज शरीफ को या इमरान खान को? नहीं, हम तो इमरान खान को सिलेक्ट करते हैं भाई, हमने वोट दिया उसको, उसकी जमात को वोट दिया है हमने, यानी कि आज़ाद कश्मीर में हमने PTI को वोट दिया है। आप खान साहब के साथ हैं? आप खान साहब के साथ हैं? हम खान साहब के साथ हैं। इमरान खान साहब का ये नारा था कि हम तब्दीली लाएंगे, दो नहीं एक पाकिस्तान। उन्होंने एक मुल्क को पिछले 70 साल से जो रवायत चली आ रही है करप्शन लूटना मुल्क को, वो एकदम से सही नहीं हो सकता, इसके लिए काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है। उन्होंने 15 महीने में कुछ ना कुछ तब्दीली लाई है। कानून देखें, अब किधर भी पुलिस वाला रिश्वत लेता नज़र नहीं आएगा, पहले जिस तरह देते थे अब उस तरह नहीं है। इमरान खान साहब ने तब्दीली लाई है, वाज़ेह तब्दीली है। ये स्कूलों का चेक करें, KPK में आप दें, उधर देखें उधर के स्कूल का सिस्टम, उधर सब देखें आप, उनकी हुकूमत उनकी पुलिस बहुत अच्छी काम कर रही है। उन्होंने दरख्तों का मंसूबा बनाया जिनसे आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, आपको उम्मीद है तब्दीली आएगी? इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। नवाज शरीफ या इमरान खान? इमरान खान। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब एक अच्छे लीडर हैं, इस जैसा लीडर पाकिस्तान में आज तक ना आया है और ना ही आएगा। नवाज शरीफ साहब नहीं अच्छे? नवाज शरीफ साहब बस करप्शन करप्शन, और अभी भी वो देखें जाके बाहर जा चुके हैं, उन्होंने ना आवाम के लिए कोई अस्पताल बनाया ना ही कुछ। अगर उन्हें भाई तू इतने साल 3 दफ़ा तू वज़ीर आज़म बने, तू इतना आवाम के लिए कर दे कि तू अपना इलाज जो है अपना इलाज पाकिस्तान के अंदर करा सके, कुछ इतना अस्पताल बना दे कि तेरा इलाज पाकिस्तान में हो जाए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। गरीब आवाम तो दूर, अपने इलाज के लिए भी उसने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। ठीक है, क्या उन्होंने हमारे मुल्क को संवारा नहीं है, मुल्क को खुशहाल नहीं किया? उन्होंने आवाम की खुशहाली के लिए कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा, अपने ख़ानदान का सोचा, अपने बेटों का सोचा। जो बाहर इतनी ज़्यादा स्टील मिल्स फैक्ट्रियाँ बनाई हैं अपने लिए बनाई हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं बनाया उन्होंने। ठीक है, तो क्या इमरान खान साहब आवाम के लिए सोच रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो हैं वो आवाम के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने कैंसर अस्पताल बने कराची में या पेशावर में भी इब्तदा करें, इंशाल्लाह वो आवाम के लिए बहुत अच्छा काम करें। तो इमरान खान साहब कह रहे थे तब्दीली लाऊँगा, ये जो तब्दीली है ये किस तरह मुमकिन है? देखिए जी, I am himself the student of finance. I did BBA from University of Sawat.
मैं जितना फाइनेंस समझता हूँ इसमें, इसको मैंने जितना स्टडी भी किया है, इसमें इमरान खान साहब का मैं 100% गुनहगार नहीं समझता हूँ। अगर आप IMF का रिपोर्ट देख लिया जो मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट भी किया था, आपको भी याद होगा, मीडिया वाले तो आप है, अगर नहीं हो तो क्लिप भी देख ले, फिर उन्होंने डिलीट किया। अगर आप उसको पढ़ लें तो उसमें क्लियरली कहा है कि जो उनके जो टिनेवर में जो फाइनेंसिंग हुई थी, फाइनेंस मिनिस्टर था उनका जो जिना वजीर खजाना था, उसको जो फाइनेंसिंग थी वो बिल्कुल ख़राब थी, फेल थी। तो इसका क्या कहते होते हैं, इसका जो रिज़ल्ट है वह तो अब ये है, आवाम को भुगतना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से मैं 100% इमरान खान को जिम्मेवार नहीं समझता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है। साहब जो तब्दीली है वो ले आएंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि मैं खुद, मेरा ताल्लुक सवात से है, मैं यहाँ पर एक दोस्त के साथ आया हूँ। मैं आपको जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब उनका फर्स्ट, आप सबको पता है उनका गवर्नमेंट ट्रिप KPP में था, जब उनका पहला साल गुजरा था, दूसरा साल भी, तो किसी, मुझे ख़ुद उम्मीद नहीं था कि ये कुछ कर सकेगा। सारे लोग वहाँ, उनका जो उस टाइम का पोजीशन है, अब वो पोजीशन है ANP, वो वाले उन पर हंसते थे कि ये कुछ नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं करेंगे, और कभी किस्म की तरह बातें करते थे। और मैं खुद, मैंने उस टाइम भी, खैर सर, मगर उस टाइम तो वोट नहीं था, आई वॉज अनएबल, बट दिस टाइम आई वोट इट, लेकिन उनको तनकीद करते थे। तो बात ये थी कि वो लोग ये समझते थे कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड, हमें एट द एंड तक इंतज़ार करना होगा, और एंड माशाल्लाह दे डिड परफॉर्म वेल, सो दैट्स व्हाई द पीपल अगेन वोटेड एंड अगेन दे हैव सेलेक्टेड। व्हाई? द रीज़न इज सिंपल, बिकॉज दे डिलीवर सम थिंग्स, सॉरी, दे डिलीवर सम थिंग्स, सो दैट्स व्हाई द पीपल वोटेड अगेन। देखें, तब्दीली जब तक इंसान, हम आई मीन हैसुल कौम, हम सब लोग किसी ना किसी जगह गलत हैं। हम कहते हैं कि तू टॉप ठीक होगी तो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है, तो टॉप तो खुद ब खुद ठीक होने से नहीं रही है। जब हम लोग खुद सब आस्ते आस्ते सही होंगे, तब्दीली आ जाएगी। इस तरह सिर्फ एक बंदे के कहने से तब्दीली बहुत मुश्किल है, ठीक है, हमें ठीक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी कौम है ये ठीक हो जाएगी? ये मुश्किल सवाल है यार। नहीं, क्या लगता है हमारी कौम ठीक हो सकती है? यार काम तो मुश्किल है, मगर शायद हो जाए, कोई मौजदा हो गया तो ठीक हो जाए। कानून सख्त होना चाहिए। देखिए, कानून सख्त या नरम का मसला नहीं है, कानून पे अमल दरामद का मसला है, ठीक है। कानून जो इस वक्त है वो भी सख्त है, अगर अमल दरामद नहीं है तो सख्त सख्त कानून बना दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कानून पे अमल दरामद, अमल दरामद, देखिए कानून कोई भी है, क्या आप गोरे का ले लें, काले का ले लें, कानून सब अच्छे हैं, ठीक है, असल बात है अमल दरामद की, ठीक है। आप सऊदीया के कानून यहाँ पे ला दें, अमल दरामद ना करें, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कानून तो यहाँ पर आप एक एक जुर्म देखेंगे, उसकी हर जुर्म की सज़ा मौजूद है, नए कानून साजी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये है, जो कानून बने हुए हैं उस पर अमल दरामद हो, जिसने जो जुर्म किया उसको उसकी सज़ा मिले, डेट्स इट। तो ये बताइए, जो तब्दीली है ये किस तरह मुमकिन है? तब्दीली जो है वो अमली तौर पे कुछ करना पड़ेगा, बातों से कुछ नहीं होगा। अमली तौर पे किस तरह मुमकिन है ये? देखें, मतलब ये हुकूमत आई है, अल्लाह करे कि ये अच्छे काम करे, फ़िलहाल इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि ये वोटों से ही बनी है हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है। लेकिन मामला ये है कि अभी देखें, वो कीड़े ही निकालती जा रही है हुकूमत, कीड़े ही निकालती जा रही है पिछली हुकूमत के, कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया, उनकी करप्शन है, ये है, वो है। देखें, ये सारी चीज़ें करने से जो है ना, आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी। आपकी परफॉर्मेंस ठीक होगी कुछ आवाम के लिए, कुछ करने के लिए, करने के बाद आवाम के लिए कुछ काम करें, कुछ उनको सहूलतें दें। अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिल रही, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर जो हैं चेकअप के पैसे ले रहे हैं, फीसें ले रहे हैं, जो कि पहले नहीं होता था, पहले फ्री हॉस्पिटल में जो है ना वो दवाइयाँ मिल जाती थी, अभी नहीं मिल रही, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कुछ बेहतर होगा या नहीं? उम्मीद नज़र नहीं आ रही, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये कुछ बेहतरी आ जाए। तब्दीली इसी तरह मुमकिन है कि बंदा खुद ईमानदार हो तो वो तब्दीली ला सकता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमारी ज़ाती अटैचमेंट नहीं है हमसे, ठीक है, वो वैसे वो नेचर के नाड़ भी चेंज, किसी की भी नेचर चेंज नहीं हो सकती, लेकिन जब जो वो असूल लेके आए हैं ना, वो असूल अच्छे हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए कि वो मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करें, ठीक है। तो वो जो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं असूल है, अगर उन असूल को फॉलो करें तब्दीली आ जाएगी?
जी जी बिल्कुल आ सकती है, अगर मैं खुद ईमानदार हूँ तो मैं अपने घर में तब्दीली ला सकता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ईमानदार हैं? जी बिल्कुल ईमानदार हैं, अभी तक तो उनकी कोई भी गलत चीज़ सामने नहीं आई जो आवाम ने देखी हो। ठीक है, वो काम अच्छा कर रहे हैं, करने दें उनको काम। हाँ सब ठीक है, हाँ साहब इससे बहुत अच्छा है। आप खुश हैं हाँ साहब से? हाँ जी बहुत खुश है। जो तब्दीली है हाँ साहब, तब्दीली का नारा लगाया था, वो किस तरह मुमकिन है? वो व्यूस का तो एक साल हुआ, वो तकरीबन टाइम लगेगा इसमें, तब्दीली आ जाएगी। हाँ इंशाल्लाह आ जाएगी तब्दीली, इंशाल्लाह जो है ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बिल्कुल इमरान खान वो तब्दीली लेके आएंगे। चूँकि अब देखें, अगर सपोज़ करें कि 40 ईयर का जो अगर कोई मामलात हैं, तो वो अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि विद इन 15 मंथ्स टू ईयर, तो ये अनएक्सपेक्टेड सी बात है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें जो है उसका वेट करना चाहिए। और कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, एंड आई होप कि इंशाल्लाह जो है तब्दीली आएगी।